जा रहा है। हाँ सूर्यभान जी वो बहुत ऊपर गया अभी भैया। कोई लीड से ट्रांसफर कर लेना डाटा। अरे रुको लीड है ना इनके पास। डेली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज़ #1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के मामले अजमेर के जो दरगाह का जो क्षेत्र है जिसमें मुस्लिम मोती मोहल्ला इलाका है, इसके आसपास का जो नला बाजार का इलाका है, यहाँ से जिस तरीके से कोविड-19 के मामले आते जा रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब अजमेर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। और क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर सक्रिय गलियां बहुत है, छत जो है वो आपस में बहुत कनेक्टेड है। एक जो घर होते हैं उसमें 3-3, 4-4 परिवार एक के बाद एक मंजिल पर रहते हैं और छतों से लोग आपस में एक दूसरे के घरों पर आराम से चले जाते हैं। और ऐसे इनपुट्स भी चिकित्सा विभाग की टीम को मिले हैं और उसी आधार पर अब पुलिस ने इन तमाम लोगों के ऊपर निगरानी रखने के लिए ड्रोन की मदद लेना शुरू कर दिया है। टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी को पुलिस ने देर से ही सही लेकिन अब अपनाना शुरू कर दिया है। और उसी के तहत जो कोतवाली थाना पुलिस है तो कोतवाली थाना पुलिस ने आज जो आसपास का इलाका है नया बाजार नला बाजार का जो इलाका है इन इलाकों पर ड्रोन से निगरानी रखी है। ड्रोन से छतों को देखा है कि छतों पे कोई मूवमेंट तो नहीं कर रहा है। जो सक्रिय तंग गलियां हैं यहाँ की, इस इलाके में गलियों के ऊपर निगरानी रखी गई है। तीसरी आंख से ड्रोन के जरिए ये देखा जा रहा है कि कोई घर से बाहर तो नहीं है या किसी प्रकार का मूवमेंट गली में तो नहीं है और कोई छत कूद कर दूसरे के घर तो नहीं जा रहा है या किसी प्रकार का और दूसरे लेन देन तो नहीं इस इलाके के अंदर हो रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को निगरानी में रखते हुए पुलिस जो कोतवाली थाना पुलिस है उन्होंने ड्रोन की मदद लेना शुरू की है। और ड्रोन के जरिए अब इस आसपास का जो इलाका है जो जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं मेडिकल की टीम ने जो नक्शा ड्राफ्ट किया है जिसमें इस इलाके के 3 किलोमीटर की परिधि को लिया है तो उसी के मद्देनजर पुलिस ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। पुलिस भी तैयार है पूरी तरीके से कि क्योंकि जो जवानों की संख्या है वो बहुत सीमित है, उनको थाना भी संभालना है, दूसरे मामले भी संभालने हैं और उसके साथ साथ सड़क के ऊपर अपनी ड्यूटी भी देनी है। और ऐसे में जो पुलिसकर्मी है उनकी संख्या बहुत सीमित होती है और इसीलिए अब ड्रोन की मदद ली जा रही है। और ड्रोन की मदद से बहुत एक जगह से ही बहुत लंबी दूरी तक पुलिस निगरानी कर पा रही है, मॉनिटरिंग कर पा रही है। किसी तरह की कोई हलचल अगर दिखाई देती है तो तुरंत प्रभाव से पुलिस के जवान वहां जाकर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये इससे पहले भी हमने दिखाया था कि रामगंज थाना पुलिस ने इस तरीके के ड्रोन की मदद देना शुरू की थी। अजमेर की पुलिस ने कुछ थाना क्षेत्रों में इस तरीके के ड्रोन से मदद पहले भी की है लेकिन जब इस कोविड-19 कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से इस इलाके से आ रहे हैं तो जो कोतवाली थाना पुलिस है उन्होंने भी अब ड्रोन की मदद लेना शुरू कर दिया है। अजमेर शहर के जो भी घनी आबादी के क्षेत्र हैं उन पर निगरानी रखने के लिए इस ड्रोन की व्यवस्था को चालू किया गया है। पूर्व में जैसे कई बार घना आबादी क्षेत्र में लोग छतों पर रह रहे हैं और आस पड़ोस के छत से छत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर चेक लगाने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए इस व्यवस्था को चालू किया गया है। और जैसा भी आपने देखा ये ट्रायल बेसिस पे ये आए भी हैं, इन्होंने इसका परीक्षण भी किया है और उसमें साफ तौर पर जब ड्रोन ऊपर जाता है तो साफ तौर पर दिखता है कि कोई व्यक्ति वहाँ है या नहीं है। गलियों मोहल्लों में जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर भी इसी ड्रोन की जरिए निगरानी रखी जा रही है। और गली जो सकड़ी गलियां हैं, छत हैं, उन सब पे निगरानी के लिए ये उपयोगी है।